प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अफीम की खेती चाहता है मगर किसान इसके खिलाफ हैं। लो हरवल्लभ, किसानों से कैसे काम लिया जाता है ये भी भूल गए? अरे राजा सख्ती से पेश नहीं आएगा तो प्रजा काम कैसे करेगी? अगर किसान अपने हिस्से की जमीन पर अनाज भी नहीं उगा पाएगा, खाएगा कहां से? खाएगा नहीं तो काम कैसे करेगा? पेट भरने के लिए कितना भात चाहिए? दे दो मुट्ठी भर धान, इस पर भी पेट ना भरे तो जमा दो शंकर मछली के दो तीन कोड़े। भाई सुना है चीन में लोग अफीम से पेट भर लेते हैं, हम क्यों ना किसानों को चीनी बना दे? अरे हाँ हाँ हाँ, बड़े साहब ने मुझे बताया कि गांव गांव में नील की खेती शुरू हो रही है। हरवल्लभ, कंपनी नील उगाए या अफीम, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, हमें तो अपने मुनाफे से मतलब है। हाँ, बिल्कुल सही। किसानों से तो निपट सकते हैं मगर भवानी ठाकुर से कौन निपटेगा? डरते हो उसका प्रेम संदेश? कहता है मेरे किसानों को छुआ तो हाथ काट दूंगा। और वल्लभ, लगता है तुमने दिमाग इस्तेमाल करना छोड़ दिया। अरे फौज बढ़ाओ। फौज बढ़ाना गैर कानूनी है। कंपनी फौज बढ़ाने को तैयार है। तैयार है? तैयार है, किराया कौन देगा? तुम दोगे? हरवल्लभ कंगाल हो गया है। हरवल्लभ कंगाल हो गया है तो अफीम की गुट्टी क्यों नहीं पी लेता? देवी सिंह, तमीज से बात करो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तू है कौन? अंग्रेजों का पिट्ठू? अरे कौन पिट्ठू रे, तुझको अच्छी तरह जानता हूँ। जमींदारी बचाने के लिए अंग्रेजों की जूतियाँ चाटता फिरता है। ओ देवी के टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते, अगर भौंकना है तो अपनी बाड़ी में जाकर भौंक। खबरदार, पंडित जी को गाली दिया तो तुम्हारी सारी करतूतों से पर्दा उठा दूंगा। अरे अरे,
तुमने तो कुछ खाया नहीं। बस निशी और नहीं थोड़ा सा, थोड़ा सा। अरे तुम्हारा हार तो बहुत सुंदर है। ये हार ठाकुरदा ने दिया है। ठाकुरदा जब भी डकैती से लौटते हैं गरीबों में चीजें बांट देते हैं। पिछली बार मुझे ये हार दिया था। देखो ना दीदी मेरे कंगन कितने खूबसूरत हैं। घुड़सवारी कहाँ से सीखी निशी? जब मैं चोरों के यहाँ थी वहीं पर घुड़सवारी भी सीख ली थी। अच्छा। जानती हो उस गिरोह में मैं ही सबसे ज्यादा फुर्तीली थी। हाँ। एक बार मुझे राजा के यहाँ बेच दिया गया पर वहाँ की रानी ने मुझे चुपके से निकाल दिया था। क्या तुम्हारा विवाह नहीं हुआ निशी? विवाह? मैं अब भगवान श्री कृष्ण को अर्पित हूँ। स्त्री जाति के लिए तो पति ही देवता होते हैं ना, और श्री कृष्ण सबके देवता हैं। इसीलिए अब उन्हीं की भक्ति में मन रमा लिया है। प्रफुल्ल, हाँ? तुमने अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया। बागदी की बेटी? कौन बागदी की बेटी? प्रफुल्ल। ए ब्रजेश्वर, भेज दो इस लड़की को इसके मायके। और तुम लोग सुन लो, इस कुलटा के साथ हमारा अब कोई संबंध नहीं है। माँ ने अपने बारे में कुछ बताया निशी बेटी? कुछ नहीं गुरुदेव, उसने अपनी कहानी बस आंसुओं के सहारे कह दी। बहुत सताई हुई स्त्री लगती है। उसने जीवन में बहुत दुख पाया है। उसने अपना अतीत अपने सीने में दफन कर रखा है। फिरंगियों से लोहा लेने के लिए हमें इन कटीले रास्तों से गुजरना होगा और उसकी शुरुआत यहां से होगी। दुश्मनों से मोर्चा लेने के लिए हमें इन शस्त्रों की जरूरत होगी। आओ मां, तुम्हारा परिचय मैं अपने जांबाज सिपाहियों से करवाऊं।
यह है हमारा बहादुर सिपाही शिवा, 20-20 आदमियों को एक साथ तलवार से उड़ा सकता है। रंगा, लक्ष्मण, दीनू, मां, शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हरिया, मां, आज से तुम्हारी शस्त्रों की शिक्षा आरंभ होती है। ये लो, शस्त्र ग्रहण करो। बचाओ, आक्रमण, बचाओ, आक्रमण। मां, दुश्मन हमेशा तुम्हारा लक्ष्य होता है, लेकिन शरीर की सुरक्षा बहुत जरूरी है। गुरुजी, वो पेड़ कितना टेढ़ा है। टेढ़ा है तभी तो खड़ा है। जंगल में देखो, सीधे वृक्ष ही काटे जाते हैं, टेढ़े हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए मनुष्य का स्वभाव भी सीधा नहीं होना चाहिए। उसके स्वभाव के कारण कोई भी उससे अनुचित लाभ उठाकर उसे दबा सकता है। अतः टेढ़े वृक्ष की तरह मनुष्य का स्वभाव भी टेढ़ा होना चाहिए। किसी पर विश्वास के लिए उसे परखना बहुत जरूरी है। गुरुजी, बादल घुमड़ रहे हैं। मां, बादल और नदी का आपस में घना संबंध है। जब बादल और नदी एक दूसरे के स्पर्श के लिए ललायित होते हैं, तब ऐसे मौसम में नदी का बहाव तेज हो जाता है और नाव तेजी से बह निकलती है।
कलेक्टर उडलैंड ने आपको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का हुक्मनामा जारी कर दिया है और देवी सिंह ने भी उधर खुलकर अंग्रेजों का साथ देना शुरू कर दिया है। साथियों, इन फिरंगियों के वफादार जमींदारों को लूट लो, इनका एक एक सिक्का, एक एक मोहर, एक एक गहना छीन लो, कंगाल बना दो इन जमींदारों को, इनकी हालत भिखारियों से बदतर कर दो। परायों का साथ देने की यही सबसे बड़ी सजा है। रंगराज, डालते हैं लोगों को, लूटते हैं, किस लिए? चंद सिक्कों के लिए? ले लीजिए ये सारा धन और ये सब बुरे काम करना छोड़ दीजिए। मुझे धन का लालच दे रही हो माँ? मैं धन के लिए डकैती नहीं डालता हूँ। तो फिर किस लिए? शासन करने के लिए। शासन करना राजाओं का काम होता है गुरुदेव। लेकिन इस देश में कोई राजा नहीं है, मुगलों की अमालदारी नहीं है, अब फिरंगी आ रहे हैं और दुष्टों का दमन करना मेरा राजधर्म है। डकैती करके? जानती हूं इन जमींदारों को, इन फिरंगियों को, धन न मिलने पर ये आदमी को जिंदा आग में झोंक देते हैं, इनके घरों को आग लगा देते हैं, निर्दोषों को गोलियां मार देते हैं, पूजा घर के सिंहासन में शालिग्राम को उठाकर फेंक देते हैं ये लोग, बच्चों की टांगे पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक देते हैं, जवानों की छातियों को लाठी से कुचल देते हैं ये लोग, बूढ़ों की आंखों में चींटियां झोंक देते हैं ये लोग, और तो और, औरतों की इज्जत को भरे बाजार में बेइज्जत करते हैं ये लोग। और इसीलिए मैं इन लालची जमींदारों और पापी फिरंगियों को दंड देता हूं मां, दंड देता हूं। अनाथों, निर्बलों और दीन दुखियों की रक्षा करता हूं मां, मैं रक्षा करता हूं। मालिक आ गए।
राम राम। अरे सुनो, इतना किसान अब मुझे नहीं चाहिए। हाँ, तुम लोग कहीं और काम देख लो। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? कहा तो कहीं और काम देख लो। मालिक, इतना किसान अब मुझे नहीं चाहिए, समझे? अब तुम लोग जाओ। मालिक, हम तो आपके गुलाम हैं मालिक। पीढ़ियों से आपका नमक खाते आ रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे मालिक? वक्त बुरा है, 2 जून ना सही, 1 जून ही दे दीजिए मालिक। अरे अकाल के दिनों गुलामों को खिलाना भारी पड़ रहा है, और अकाल का 3रा साल चल रहा है, डकैती भी हो गई है। मालिक, हमें मत निकालिए मालिक, कहाँ जाएंगे हम मालिक? कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, जाओ 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 जाओ। ये फिरंगी टोपियां ही तुम्हारा लक्ष्य है, लक्ष्य साधो। गुरुदेव, निशाना ठीक है गुरुदेव, तीर टोपी को चीर गया। बाकी की टोपियां भी चीर दो मां। लेकिन गुरुदेव, ये पुतले नहीं इंसान है, निशाना चूक भी सकता है। मां, हर व्यक्ति को अपने प्राण प्यारे होते हैं। तुम्हारे सामने खड़े केवल 2 व्यक्तियों की रक्षा का भार तुम पर नहीं है। पीछे मुड़कर देखो, हजारों लाखों व्यक्तियों की आंखें तुम पर टिकी हुई हैं। तुम्हें उन्हें विश्वास दिलाना है, उन्हें भरोसा दिलाना है कि वे तुम्हारी छत्रछाया में सुरक्षित हैं। निशाना साधो।